जी मुझे ना बहुत डर लग। ओ भाई साहब सुनिए, कहीं आप लोग उस लड़के को नहीं ढूंढ रहे हो जो काले रंग की टी-शर्ट पहनी थी? हाँ, काफी टाइम से बैठा हुआ था, शायद उसकी तबीयत भी खराब थी। एक सफेद रंग की गाड़ी आई, एक लड़का बाहर निकला और वो लड़का उसे उठाने लगा, पर ये बच्चा उसके पास जा नहीं रहा था, ये दूर से तो यही लगा। नंदू, अब आपको पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। ओह गॉड, इट्स मैडीज का। मेरी फैमिली को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा वो फिजिकली चैलेंज है भाई, क्या मैं उसे बीच में लेके आया? आई डिड नॉट। नंबर वन थिंग, ओके, यू हैव वन पर्सन ऑन, नाउ आई विल गो ऑन यू। चाची डोंट वरी, चाचा जी अभी पुलिस स्टेशन गए हैं और मैं भी वही जा रही हूँ, सो डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, ओह गॉड, ये मैडी, सर एम आई गोना फाइंड हिम, प्लीज हेल्प मी। ये फैमिली को बीच में लाना इज नॉट अ गुड डील, फिर भी तुम मेरी परफॉर्मेंस खराब करने के लिए मेरे ग्रैंड डैड को बीच में लेके आ गई। हाँ जी। हेलो उस्ताद मुकेश जी, मैं नंदिनी मूर्ति बोल रही हूँ स्पेस एकेडमी से। सर मुझे मुझे जरूरी बात करनी है आपसे वर्कशॉप के बारे में, सो क्या हम मिल सकते हैं प्लीज सर? देखो बेटा, मैं अभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? सर सर, इट्स ओके, टेक योर टाइम सर, तब तक मैं आपके घर पे वेट कर सकती हूँ आपके लिए, सब बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, प्लीज सर प्लीज एड्रेस दे दीजिए। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हूँ तो आप एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मैं आपके घर पे वेट कर लेती हूँ, सर प्लीज आप एड्रेस दे दीजिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट सर प्लीज। रिलैक्स मैन, कितना शेक करेगा, कितना चिल चिल चिल। तेरी मेडिकल कंडीशन क्या है? इसे क्यों उठा के ले आया? ये पड़ा रहने देता इसको। हेलो, प्रोटीन शेकर, चॉकलेट खाएगा, ये ना खाओ। तेरी प्रॉब्लम क्या है? हेलो, तुझे मेरी शक्ल पसंद नहीं है क्या? मैं यहाँ से गया तो आराम से चिल मार रहा है, फुल रिलैक्स्ड। एक बात बता, बोल नहीं सकता है? ओके, लिख तो सकता है, राइटिंग राइटिंग लिख, किसी का फोन नंबर, घर का एड्रेस, दीदी का नंबर, व्हाटएवर, यार कुछ तो लिख, so that I can drop you home, okay, your home, तेरा घर। मैंने गाना क्या चलाया भाई? Did I hear something? Was that you? बोला ना अभी, बोला ना? एक्चुअली वर्किंग ऑन यू, तू बोलने लगा ब्रो, वाओ। पता है ये मैंने डिजाइन की थी फॉर म्यूजिक थेरेपी एंड इट्स वर्किंग ऑन यू। बोल 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 बोल, वॉल्यूम बढ़ाओ।
अबीर, अबीर, मुक्ति, मुक्ति देखो ना, मुक्ति देखो ना, अबीर क्या हो गया ये? मेरा चेहरा पीला पड़ गया, मुक्ति, मुक्ति उठो ना। प्लीज, प्लीज एक दिन तो डिस्कस होंगे यार। मुक्ति, डॉक्टर को बुलाओ, अबीर को देखो क्या हो गया है? देखो। अबीर, डॉक्टर, डॉक्टर को फोन करो। यहाँ पे फोन ऑफ है। टाइप की, इंटरनेट। खुद ही बच्ची लगी पड़ी हो, बड़े बच्चे का ध्यान रखोगी? हाँ, अरे उसको तो बुखार है, इतनी रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा? चलो चलो चलिए, चलो चलो, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मतलब तुम मेरा भाई? जस्ट फॉलो मी। तुम्हारा भाई ऋषभ पेवमेंट पे बैठ के अकेला रो रहा था, सो आई गॉट हिम। इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा भाई, नॉट अ बिट लाइक यू। सो यू एंड योर ब्रदर गेट आउट। कम ऑन, हरी अप। ऐसे हमारी पुरानी फोटोज देख रहा था, मैंने तुम्हें सेंड भी करी है। एक सेकंड। थ्रू आई मिस यू समटाइम्स अलिया। लिसन थ्रू, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, साथ रहकर भी इट विल बी इनकम्प्लीट बिकॉज नथिंग इज द सेम एनीमोर। All of us, Fab Five, सब खत्म हो गया है। And staying together will just make us revive old memories and हम incomplete रह जाएंगे। So let's just not do this. That's it. देखा जाए तो it's only about you and me, Alia. और अगर हम साथ हैं तो हम बाकी सारी चीजों के साथ deal कर सकते हैं। और ये कोई रीजन नहीं हुआ अलग रहने का। तुम मुझे प्यार करती थी, मैं तुम्हें करता हूं। आलिया, तुम मुझसे प्यार करती थी?
We'll talk about this later. मुझे कल जल्दी जाना है. Please. Okay. Take care of yourself. देखो, जब बंटी छोटा था ना, उसे भी ऐसे ही हुआ था. तब मेरी सासू माँ ने एक आयुर्वेदिक नुस्खा दिया था मुझे, और उससे वो ठीक हो गया. देखना, तुम्हारा बेबी भी ठीक हो जाएगा. इस घरेलू नुस्खे में वो कहीं वो पॉइजन तो नहीं मिला रही है ना? अरे, जस्ट टू टेक रिवेंज. सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं. वो तुम भूलो मत, वो भी एक माँ है. मम्मी, लाइट क्यों जला दी? Now I feel like playing some basketball. ये मैंने नहीं देखा, ये मैंने देखा. कल से दे, कल से दे. चल बच्चों, अब तू बहुत जल्दी इंटरनेट पे फेमस हो जाएगा. बदले में तेरा प्रेम. याद है ना उसके बेटे के साथ क्या क्या था ना? देखो, कल भी अगर बुखार आए ना, तो डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना. थैंक यू आंटी. आपने जो मैं ले किया ना, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. थैंक यू सो मच. इट्स ओके, जाओ अभी. जी, वी शुड विड्रॉ द केस. अब ऋषभ भी मिल गया तो फिर और टेंशन नहीं लेना चाहिए ना. तो इट्स बेस्ट कि हम केस को विड्रॉ करते हैं. नहीं, दिनी ऋषभ, तूने क्या बोला? दी. नंदू, ऋषभ बोला. अय्यप्पा, थैंक यू अय्यप्पा. नव्या, उठो ना यार, रात से वहीं पे सो रही हो यार. अब बेड पे सो जा. मुक्ति, इसका बुखार गया. मम्मी आंटी का नुस्खा काम कर गया. अच्छा है ना? मम्मी आंटी ने अबीर को पॉइजन नहीं दिया. हे भगवान, तुम ना एक नंबर के शक के इंसान हो यार, सच में. अच्छा लिसन, चलो गेट अप. आज इलेक्शन है, इट्स इम्पोर्टेंट डे. मैं रेडी हूँ, तुम भी रेडी हो? हाँ, पता है आज तो हमने काफी छुट्टी भी ली है. जैसे कोई एक कप चाय पिलाने के बाद हमें लग रहा है थोड़ा सा मामला लाइट हो गया है. तो सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा ले. बी केयरफुल, ऐसा ना हो वही फायदा उठा ले. चलो उठो. रेडियो गाइस, गेस व्हाट, यू वोंट बिलीव दिस, लेकिन ऋषभ ही स्पोक फाइनली और उसने मेरा नाम लिया है. वो सेम डॉक्टर? नहीं नहीं नहीं, उस डॉक्टर की वजह से नहीं. एक्चुअली कल रात ना, he was murmuring, and आज सुबह
इन द मॉर्निंग ही सर माय नेम, उसने मेरा नाम बोला। गाइस मैं सबके लिए मिठाई लेके आई हूँ। सब तुम लोगों का बॉडी क्लॉक उल्टा है क्या? इलेक्शन अभी हुए भी नहीं और तुम लोग मिठाइयां बांट रहे हो। क्या कहते हो? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? कौन सर? वेल एक्सपेक्टेड, ये एक कहावत, सर्च कर लेना। इसे हम इलेक्शंस के बाद देखेंगे। लेकिन नंदिनी को क्या होगा? ये क्यों उसके पीछे? Hey listen, वो तुमने ऋषभ के साथ, I mean कल, you know आज सुबह को 4 o'clock, वो he was pointing towards the music. मैंने गाना प्ले किया, but it was not the same song he wanted to listen to. ऐसा लग रहा था कोई और गाना है. And then don't know what. Unfortunately वो सबसे पहले मेरे सामने हुआ। तुम पूछोगे कब, कहाँ और कैसे, तो द आंसर इज कीप गेसिंग मिस वीना वादिनी। लिसन, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। बहुत लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? बेटा बहुत हो गया, एक और बार मेरी टी शर्ट को हाथ लगा तो तबला बजाने के लिए हाथ नहीं बचेंगे, सर से बजाएगा अपने। नंदिनी इज बेटर देन मी, प्लीज वोट फॉर हर, हैशटैग वोट फॉर नंदिनी। अरे मैम प्लीज, वैसे भी वी हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। और तुमसे हम जब तुम इलेक्शंस हार जाओगे ना उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद ही मिलेंगे।